सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल यार एसके वर्सेस के गेमिंग। सो कैसे हो यार आप सब लोग? होप करता हूँ ठीक ही हो गए यार। सो देखो यार, आज की इस वीडियो आपने थंबनेल देख ही लिया होगा कैसे आप ब्रेक डांसर बंडल को फ्री में ले सकते हो। आज की इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ, सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना यार, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आज की इस वीडियो। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, एंड चैनल पे नए हो तो यार चैनल से जो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लेना, जब भी हम लोग वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सो जल्दी से चलो यार, हम लोग बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ बिना कोई देरी किए, एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलना, शेयर करना भी मत भूलना। सो अभी चलो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सो गाइस, अब सबको पता होगा कि फ्री फायर में ब्रेक डांसर बंडल का क्रेज़ कितना ज़्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि देखो यार ब्रेक डांसर बंडल पहले, मतलब बहुत पहले आया था फ्री फायर में, शायद 2.5 ईयर्स पहले या फिर 3 ईयर्स भी हो सकता है यार, तभी आया था ये ब्रेक डांसर बंडल। लक रॉयल में आया था यार, एंड तभी सभी बंदों ने मतलब इसे निकाल लिया था, जो जो भी वो टाइम पर खेलते थे सभी ने उसे निकाल दिया था यार। मेरे को भी उतना एग्जैक्ट डेट पता नहीं है इसका कि ये कब आया था, अगर आपको पता हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताना यार, हम लोग को भी जानने मिलेगा। सो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताना। सो तभी के टाइम में जो भी बंडल आए थे वो अभी के टाइम में बहुत ज़्यादा रेयर हो चुके हैं यार। आपको पता है सीज़न 1 इलाइट पास, सीज़न 2 इलाइट पास, एंड क्रिमिनल्स भी आए थे यार, एंड हमारा ये ब्रेक डांसर बंडल आया था, एंड डायमंड रॉयल में भी कुछ बंडल्स आए थे, एंड वो भी अभी के टाइम में बहुत ज़्यादा रेयर है, एंड ब्लैक स्वेटर आप सबको पता है कितना ज़्यादा रेयर हो चुका है, बहुत ज़्यादा ओपी आइटम्स आए थे यार, एंड लूट क्रेट्स, बैनर्स, अवतार्स, पैराशूट के स्किन्स एंड सर्फबोर्ड के स्किन्स, मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें आए थे यार वो टाइम पे, एंड वो सभी चीज़ें अभी के टाइम पे रेयर है यार। सो देखो, आज की इस वीडियो में हमारा जो ब्रेक डांसर बंडल है ना, वो अभी उतना ज़्यादा रेयर नहीं रहा यार, क्योंकि फ्री फायर ने उसे एक इवेंट में दे दिया था, अभी हाल फिलहाल में एक इवेंट में दे दिया था, जिससे सभी बंदों को मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बंदे जो जो भी टॉपअप करते हैं उन सबको मिल गया है यार। सो देखो, आज की इस वीडियो में मैं आपको दो ट्रिक बताऊंगा, एक है हमारे डायमंड्स वाला ट्रिक एंड एक है हमारा फ्री वाला। सो अभी हम लोग चलो बढ़ते हैं फ्री वाले ट्रिक की तरफ। सो गाइस, अगर आपको ब्रेक डांसर बंडल फ्री में चाहिए, सो आपको एक इवेंट में पार्टिसिपेट करना होगा। बेसिकली वो एक इवेंट नहीं है, गरीना ने बहुत सारे पार्टनर प्रोग्राम यूट्यूबर्स को रिडीम कोड्स दिए हैं यार ब्रेक डांसर बंडल के। सो आपको करना क्या है, उनके स्ट्रीम पे जाना है यार, एंड जाके उधर पार्टिसिपेट करना होगा उनके कस्टम रूम्स में, क्योंकि देखो उससे ही आपको फ्री में मिल सकता है यार ये ब्रेक डांसर बंडल, और कोई ऑप्शन भी नहीं है यार। आप ऐसे थर्ड पार्टी वेबसाइट्स पर जाके वहाँ से अगर आप ब्रेक डांसर बंडल लेने की ट्राई करोगे तो आपको कोई भेजेगा नहीं यार, क्योंकि वो ट्रिक वर्कआउट भी नहीं होगा, पूरे फेक वेबसाइट्स रहते हैं यार। सो देखो, आपको करना क्या है, गरीना ने खुद से रिडीम कोड्स दिए हैं यार पार्टनर प्रोग्राम यूट्यूबर्स को, सो आपको उनके स्ट्रीम पे जाना है और उनके कस्टम रूम में पार्टिसिपेट करना है। बहुत सारे बंदों को क्या होता है यार, वो मतलब कस्टम रूम में घुस ही नहीं पाते यार। सो देखो, मैं अभी आपको एक ट्रिक बताता हूँ जिससे आप कस्टम रूम में जा सकते हो बहुत ज़्यादा ईजिली। सो गाइस, अगर आप पार्टनर प्रोग्राम वाले यूट्यूबर्स के लाइव स्ट्रीम पे नहीं जा पा रहे हो, सो देखो ये बहुत ज़्यादा सिंपल ट्रिक है यार, आपको कुछ भी करना नहीं है। आपके घर के पास कोई ना कोई बंदा स्मार्टफोन तो यूज़ करता होगा यार, अगर आपके पास एक स्मार्टफोन है तो कोई ना कोई एक और बंदा भी स्मार्टफोन यूज़ करता होगा यार आपके घर के पास, या फिर आपके दोस्त के पास भी कोई ना कोई एक फ़ोन होगा जिसमें वो फ्री फायर खेलता हो। सो देखो, आपको करना क्या है, अगर आपको कस्टम रूम में जाना है यार, सो आपको दूसरे फ़ोन में लाइव स्ट्रीम चालू करके रख दे रही है यार, क्योंकि अगर आप एक ही फ़ोन से आईडी पास टाइप करने की ट्राई करोगे सो वो कभी नहीं होने वाला है यार, क्योंकि वहाँ पे वॉचिंग बहुत ज़्यादा आती है, 10K 20K ऐसी वॉचिंग आती है, एंड वो टाइम पे अगर आप एक ही फ़ोन से अगर आप ट्राई करोगे डी पास टाइप करने का सो वहाँ पे नहीं होगा यार, मतलब वहाँ पे मतलब एक सेकेंड में ही पूरा फुल हो जाएगा यार कस्टम। सो आपको क्या करना है, दूसरा फ़ोन रख लो यार, अगर आपके पास पीसी या फिर लैपटॉप हो तो आप वो भी रख सकते हो, या फिर अगर फ़ोन हो तो आप वो भी रख सकते हो, बहुत सारे बंदों के पास पीसी या फिर लैपटॉप नहीं होता है यार। सो फ़ोन बहुत ज़्यादा ईजी ट्रिक है, आप वो रख लो एंड लगा लो यार कस्टम, मतलब उसके अंदर जीत लो, एंड उसके बाद आपके स्किल्स मैटर करते हैं यार गेम में।
सो गाइस आप मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे कैंप वैम्प करते रहो यार, क्योंकि अगर आपको बुया लेना है सो आपको कैंप वैम्प तो बहुत ज़्यादा करना होगा यार कस्टम रूम में। सो ऐसे ही मतलब आपको ब्रेक डांसर बंडल नहीं दिया जाएगा। सो मतलब बहुत ज़्यादा कैंप एंड आपके गेम प्ले स्किल्स बहुत ज़्यादा रहने चाहिए यार। वहाँ पे बंदे भी बहुत ज़्यादा ओपी ओपी वाले बंदे आते हैं, ऐसे नहीं यार कि मतलब ऐसे ही कोई ना कोई बंदा आ गया, ऐसे नहीं होता है। 10K 20K के वॉचिंग पे बहुत ज़्यादा ओपी ओपी वाले बंदे भी आते हैं। सो आपको मतलब बहुत ज़्यादा देख के खेलना होगा यार। एंड अगर वहाँ पे किल्स के रिक्वायरमेंट भी है, इतने किल्स करके बुया लो तभी आपको मिलेगा। सो आपको किल्स भी करते रहना है यार, मतलब लास्ट जोन का वेट करना है, उसके बाद आप इजीली किल्स ले सकते हो यार। लास्ट जोन तक वेट करना, उसके बाद आपको किल्स मिल जाएंगे आराम से। लास्ट जोन में अगर 10 बंदे भी अलाइव है ना, सो उन सबको मार के आप बुया ले सकते हो यार ईजीली। सो बहुत ज़्यादा ईजी ट्रिक है यार, आप कर सकते हो। पहले मतलब मेन थिंग है आप कस्टम रूम में जाने की ट्राई करो यार, जो ट्रिक मैंने बताया है वो यूज़ करना, वरना आप कस्टम रूम में नहीं जा सकते हो। मतलब बहुत ज़्यादा कम चांसेस हो जाते हैं यार कस्टम रूम में जाने के, अगर आपके पास एक ही फ़ोन हो तो। सो पहले कस्टम रूम में जाने की ट्राई करना, उसके बाद आप अपना गेम प्ले स्किल्स के ऊपर पूरा डिपेंड रहता है यार। अगर आप कस्टम जीत गए सो आपको ब्रेक डांसर बंडल मिल जाएगा यार। सो गाइस हमारा एक और ट्रिक है यार, जिससे आप ब्रेक डांसर बंडल को डायमंड से ले सकते हो यार, वो है हमारे इवेंट का वेट करना। क्योंकि देखो ब्रेक डांसर बंडल अभी स्टोर में तो अवेलेबल नहीं है यार, एंड गेरिना तो आप सबको पता है गोल्ड रॉयल में तो बिल्कुल नहीं देगा यार, ब्रेक डांसर बंडल बिल्कुल नहीं देगा गोल्ड रॉयल में। ऐसे एक्सपेक्टेशंस भी मत रखना कि गोल्ड रॉयल में आपको मिलेगा, सो गोल्ड रॉयल में तो आपको कभी नहीं मिलने वाला। सो आपको वेट करना होगा यार कोई ना कोई इवेंट का, जैसे लास्ट टाइम आया था आर्टिक ब्लू बंडल, ब्रेक डांसर बंडल, बहुत सारे बंडल्स दिए थे यार गेरिना ने एक इवेंट में। सो उधर डायमंड्स खर्च करके आप ले सकते हो, जिन जिनके पास मतलब बहुत ज़्यादा डायमंड्स होते हैं वो ले सकते हैं यार ये चीज़ को। अगर आपके पास डायमंड्स कम है सो आपको पार्टनर प्रोग्राम यूट्यूबर्स के कस्टम रूम में जाना होगा यार, जो कि मैंने पहले बता दिया था। सो अगर आपके पास डायमंड्स है तो आप उड़ाओ यार डायमंड्स, आपकी मर्जी। सो मतलब बहुत ज़्यादा डायमंड्स जाएंगे यार, मैं अभी बोल रहा हूँ कम डायमंड्स में तो आपको मिलने वाला नहीं है, बहुत ज़्यादा डायमंड्स जाएंगे। सो इसका ध्यान रख लेना यार, आप मतलब 5,000 से 10,000 का टॉपअप कर लेना, मतलब डायमंड्स की बात कर रहा हूँ पैसों की नहीं, 5,000 to 10,000 डायमंड्स ऐसे टॉप अप कर लेना। सो तभी आपको मिलने के चांसेस हो सकते हैं यार, इससे कम में भी मिल सकता है। सो आपकी मर्जी यार, अगर आपके पास डायमंड्स हो तो आप ले सकते हो, वरना आप ये फ्री का ट्रिक भी यूज़ कर सकते हो। सो गाइस चलो यार आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, एंड भाई आपको वीडियो देखने में मज़ा आया होगा यार, एंड पता भी चल गया होगा ये दो ट्रिक, पहला है हमारे फ्री वाला एंड सेकंड है हमारा डायमंड्स वाला। सो डायमंड्स है तो आपके पास सब कुछ है यार फ्री फायर में। सो अगर आपके पास डायमंड्स नहीं है सो आप मतलब ऐसे ट्रबल में आ जाओगे यार। सो गाइस चलो यार आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, एंड में वीडियो अच्छा लगा तो यार जल्दी से जो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एंड वीडियो को लाइक करना बोलना, शेयर करना बोलना। सो चलो यार दे सतीश एंड सेटिंग ऑफ एस के versus SK Gaming.